तो टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स। है। सो लेट्स कनेक्ट विद इट। देखते हैं आज हमें है। है so, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है okay? think, जो भारत में था उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है एक सौ बाईस सालूंगा सो दैट इज द वन थिंग चलो देखते हैं आज हमें क्या महसूस होता है इन द हार्ट कनेक्ट चलो तो हम कुछ कार्ड चुनते हैं वन ठीक है टू ओके थ्री एंड फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट ठीक है सो आठ कार्ड्स मिल चुके हैं देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है Yeah, are cool, so that you could be watching them, you could be seeing them. Let's see, Nine of Cups, copy Scorpio, Pisces. We got the Strength, Rikki leo Leo's sign. We got the Lovers, Gemini. We got the King of Wands, Aries, Leo, such Then we have Queen of Cups. We have Wheel of Fortune. We have Knight of Swords, The World, and finally Queen of Wands. सो बेसिकली नौ कार्ड्स यहां पे आ चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू एनालाइज दीज नाइन कार्ड्स अगर हम इनके अंडरस्टैंडिंग देखें तो क्या समझ में आता है बहुत सारी चीजें ठीक है अगर हम वन बाय वन भी जाएं तो भी हमें अंडरस्टैंडिंग वही मिलेगी जैसे कि ये जो कार्ड है नाइन ऑफ कप्स अगर हम इसको देखें तो दैट इज ऑल अबाउट दी कैसे विश कार्ड जिसे हम कहते हैं तो यहाँ पे हमें इनका विश कार्ड दिख रहा है कि ये पर्सन आई थिंक बेसिकली खुश रहना चाहता है ओके एंड एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप भी खुश हो मे बी वो दोपहर के वक्त छोटी सी पार्टी दे दे या फिर यू नो ढेर सही बातें करिए अपने फ्रेंड्स के साथ आपको बताया कि भाई आई एम वेरी हैप्पी और हैप्पी मतलब बेसिकली ये खुश रहना चाहता है अगर आप चाहते हैं तो कुछ uh, आइसक्रीम पार्टी वग़ैरह भी आप शायद किसी के लिए ऑर्गेनाइज़ कर सकता है या तो अगर आज नहीं तो शायद शाम के लिए या फिर संडे के लिए ये सब चीज़ें वो प्रेफर कर सकता है जो सबसे ज़रूरी बात है इस पर्सन के लिए कि आई थिंक आप दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर दूरियां हैं वो शायद मिट गई है किसी वजह से अगर आप अपने किसी प्रोजेक्ट में अगर बिजी थे एंड इनसे मिल नहीं रहे थे तो ये अभी खुश है कि आपको समय मिला है एंड शायद आप आज दोपहर या शाम तक इनको मिलने के लिए फ्री हो सकते हैं दैट इज़ अ वन थिंग हालांकि सेकंड कार्ड जो हमें मिला है वो है भाई स्ट्रेंथ एंड मे बी आप दोनों रियलाइज़ कर सकते हो बहुत ही जल्द कि आप दोनों के रिश्ते की स्ट्रेंथ क्या है यू नो कई बार क्या होता है ना कि हम जब रिलेशनशिप में होते हैं तो स्ट्रेंथ भूल जाते हैं पर जो बेसिक चीज़ है जैसे कि यू नो घर का स्ट्रक्चर जो होता है वो बेसिक जो होता है उसको ही न्यू को भूल जाना उसके बाद क्या होता है फिर तकलीफ़ होती है नाउ दिस पर्सन इज सेंग कि आई नो हमारे बीच का जो ट्रस्ट है म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ऑनेस्टी है ये आपकी जो मूलभूत चीज़ें हैं ठीक है ये पर्सन दोबारा से वहाँ कनेक्ट कर रहा है यानी कि अगर आप किसी अपने फ्रेंड से मिले तो आप भी कह सकते कि नहीं भाई हमारे रिश्ते में तो सब कुछ सही है वी डू हैव ऑनेस्टी वी डू हैव क्रिटिसिज्म, लेकिन हम एक दूसरे को प्यार भी करते हैं वन थिंग विच यू आर डेफिनेटली श्योर अबाउट इसी के लिए हमें जो कार्ड मिला है वो है द लवर्स जेमिनाए का साइन यू आर प्री हैप्पी टुगेदर एक कपल होने के नाते आप हाँ बहुत ही खुश हैं एंड आई थिंक वो सारी चीज़ें जो आपको एक्सपेक्ट हैं अपने प्यार में वो सभी आपको यहाँ पे दिख रही है म्यूचुअल ट्रस्ट है रिस्पेक्ट है काफ़ी ज़रा रोमांस भी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो तो ये रोमांस जो है वो या तो अभी दोपहर के वक्त की बातें दिखा रहा है या फिर आने वाला पल यानी कि शाम के वक्त या फिर नाइट टाइम को रोमांस हमें यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं किंग ऑफ ऑर्ट्स इज हेयर तो अगर हम रोमांस की तरफ से बातें करें तो एरीज लियो सैज यहाँ पे हमें पावर एंड पैशन दिखता है इफ़ यू आर गोइंग टू स्पेंड सम पैशनेट नाइट्स तो ये उसके लिए बहुत ही कमा का कार्ड है यहाँ पे वही अगर हमने यहाँ पे देखा तो यह क्वीन ऑफ कप्स तो अगर आप को नखरे ये वर्ड्स कनेक्ट तो होता है तो आई थिंक यहाँ पे ये वर्ड काफ़ी कनेक्ट होगा तो अगर ये पर्सन जो है वो पैशन दिखा रहा है तो आप भी इमोशंस दिखा रहे हो मतलब यहाँ पर चीज़ें ऐसी हो रही है कि यू आर प्रटी हैप्पी विद दिस पर्सन मे बी आप दोनों शायद मतलब ये अभी शाम के वक्त की बात यहाँ पे आ रही है आई डोंट नो लेकिन आ रही कि आप बहुत खुश हो सकते हो यहाँ पे शायद दोनों मिलकर थोड़ा सा डांस कर सकते हो या फिर यू you नो know, कुछ गाना गाना या फिर अंताक्षरी खेलना या फिर यू नो सम रोमांटिक टाइम स्पेंड करना एंड आप स्पेशली uh, कुछ रोमांटिक पल इनके साथ स्पेंड कर सकते हैं कुछ बातें उनको याद दिला सकते हैं कि कैसे हमारी शुरुआत हुई और अब तक हम कैसे पहुंचे हैं इन लाइफ दैट इज अ इमोशनल पार्ट जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वही है व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कहीं ना कहीं एक अलग टर्न हमें यहाँ पे दिख रहा है जो नेगेटिव चीज़ें आ रही थी वो सडनली जा चुकी हैं एंड पॉजिटिविटी यहाँ पर आ चुकी है यू नो कुछ पल बहुत ही अच्छा एहसास दिलाते हैं जो हमें यहाँ पे दिखता है दैनी गॉट नाइट ऑफ लिब्रा एक्वेरियस यहाँ पे आई थिंक आप दोनों ही रेडी हैं टू फेस द क्रिटिसिज्म अगर आपको पता है कि कुछ आपके जो फ्रेंड्स हैं जो आपके ही खिलाफ या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो बर्दाश्त नहीं कर सकते आप दोनों को तो आप ऐसे लोगों को जब सवाब सवाल के जवाब देने के लिए आप बिल्कुल भी रेडी हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप दोनों के बीच की जो वैल्यूज़ है दोबारा से जुड़ गई है कि अभी नो ट्रस्ट इशू तो किसी ने कुछ भी कहा कि मैंने इनको इनके साथ देखा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मतलब दुनिया को बताने के लिए आप रेडी हो अगर किसी ने अपनी जल्दी कर, कर नहीं डिस्क्लोज करना तो अभी आप भूल जाएंगे कुछ से कि मुझे कोई नहीं पड़ता अगर मुझे बता भी दिया कि तो दुनिया के हिसाब से भी आप यहाँ पे रेडी दिख रहे हो नेक्स्ट कार्ड है, वो है अगर अगर इस कार को और ये सारे रीडिंग को देखें तो एक ही नजर आता है कि ये पर्सन और आप भी एक दूसरे को पैशनेटली सपोर्ट कर रहे हो एंड शायद जो अंडरस्टैंडिंग है वैल्यूज़ है उसे रिस्टोर कर रहे हो अगेन यहाँ पे एक बात आती है कई लोग ये कमेंट करते हैं कि आ, उस पर्सन ने अभी कांटेक्ट करना छोड़ दिया है या फिर वो जो पर्सन है वो मुझे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो अगर ऐसी बात है कहीं पर भी आपको एक पर्सन नज़र आ रहा है खुद सोचिए अगर नहीं तो ये उस पर्सन के बारे में नहीं है या फिर उनकी एनर्जी पे फिट नहीं बैठती ओके आई थिंक एक नया चैप्टर आपकी जिंदगी में शुरू हो सकता है या फिर ऑलरेडी शुरू है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ये एक रीजन हो सकता है मेरे हिसाब से अब देखते हैं हमें इसल से क्या रीडिंग मिलती है चुनते हैं कुछ कार्ड एंड लेट्स चलो आ, कुछ कार्ड चुनते हैं हम वन टू थ्री एंड फोर्थ चलो चार कार्ड मिले हैं देखते हैं रीडिंग क्या आती है पहला जो कार्ड है वो है मिसकम्युनिकेशन सेकेंड जो कार्ड है वो है फीलिंग लेफ्ट आउट थर्ड जो कार्ड है वो है स्टक इन द पास्ट एंड फोर्थ जो कार्ड है यहाँ पे वो है भाई सम वन सपोर्ट यू तो जो जवाब मैं आपको देने की कोशिश कर रहा था वो इस कार्ड ने दे दिया ठीक है आपके और इस पर्सन के बीच जो आपको लग रहा है कि आपको कॉल नहीं कर रहा है उसके पीछे की जो पहली वजह है वो है मिसकम्युनिकेशन यानी कि आपके बीच बातचीत हो ही नहीं रही है मिसकम्यूनिकेशन हो रहा है जब वो चाहते हैं बात करना आप नहीं चाहते और जब आप चाहते हैं कि एक्सप्लेनेशन दें वो आपको सवाल पूछते हैं सेकेंड जो कार्ड है वो है फीलिंग्स लेफ्ट आउट मतलब क्या है कि आपको लग रहा है कि एन इन पर्सन को भी कि शायद मैं अकेला पढ़ चुका हूँ या अकेली पढ़ चुकी हूँ क्यों है ऐसा क्योंकि शायद आपके जो इमोशंस हैं ये पर्सन कैरी नहीं कर रहा है उसके हिसाब से मुझे ये अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है स्टक इन द पास शायद आपकी तरफ से हो रहा है आप भूतकाल में अटके हुए हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट आप शायद आगे नहीं बढ़ना चाहते लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है समोन यू यहाँ पे कोई तो है जो आपको सपोर्ट कर रहा है लेकिन आपको उसका साथ नहीं चाहिए अगर आपने उनका साथ ले लिया तो ये सारा रीडिंग आपको रेजुनेट करेगा और अब देखते हैं फाइनली हमें लव मैसेजेस क्या मिलते हैं चलो करते हैं कार्ड्स की एंड वी गो ठीक है एक और बार करते हैं शफल चलो एक कार्ड मिल गया हमें एंड लेट्स सी नाउ ठीक है चुनते हैं कुछ कार्ड्स वन टू थ्री एंड फोर ठीक है तो ये पांच कार्ड आ चुके हैं देखते हैं हमें क्या मिलती है कार्ड्स पहला जो कार्ड है वो है यू नो बेटर इस पर्सन को आप या फिर आपको एक पर्सन सबसे ज्यादा परिचित हैं और आप जानते इस पर्सन की अच्छाई क्या है बुराई क्या है जो कि बहुत ही अच्छी बात है सेकेंड जो कार्ड हुआ यू हैव एन अमेजिंग स्माइल ये आप दोनों शायद एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो कि आप दोनों की स्माइल बहुत अच्छी है स्माइल का मतलब सिर्फ हंसना नहीं है बल्कि कितना भी नेगेटिव टाइम क्यों ना आ जाए आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो यह जिकार्ड हो आई लव यू बिकॉज यू गिव मी द बेस्ट एडवाइस यानी कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो और बताते हो कि भाई आपको कैसे इस सिचुएशन में सामना करना है ठीक है तो एक मोरल बूस्ट मिलता है आई लव यू बिकॉज यू हैव स्वीट निक नेम्स फॉर मी शायद आपका कोई फ्रेंड है जो बेस्ट फ्रेंड या फिर आपका लवर भी बन रहा है या फिर बन चुका है ये जो आप एक दूसरे को स्वीट नेम्स uh, बोलते हुए या फिर कहीं ना कहीं पर यू कुड एक्सपेक्ट की ये रिश्ता बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव बनते जा रहा है कार्ड हमें मिला है वो है आई लव यू बिकॉज यू आर जेन्युनली गुड पर्सन क्वालिटीज़ तो हमें दिख रही हैं कि पर्सन बहुत ही अच्छा हो सकता है आपको एक नेम से बुलाता है यू नो आपको सपोर्ट करता है आपके लिए वेल well विश करता है आपको एडवाइस भी देता है ठीक है एंड जो फाइनल कार्ड है वो है यू आर एवरीथिंग आई कुड हैव एवर है इस पर्सन में वो सारी खूबियाँ हैं जो आपको चाहिए थी और आप में वो सारी खूबियाँ हैं जो इस पर्सन को चाहिए थी ठीक है तो अगर ऐसा कोई रिश्ता है जहाँ पे आप स्टक हो जहाँ पे सवाल लोगों के जवाब नहीं मिल रहे हैं तो ये उसके बारे में बिल्कुल नहीं है लेकिन ऐसा व्यक्ति जो हर समय आपको सपोर्ट करता है ये रीडिंग उसके लिए है ये रेडिंग आई होप इट एन एट सी यू नेक्स्ट